सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फरहत व्लॉग्स को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो है होली से पहले अपने फेस को कैसे प्रेप किया जाए, अपने इस फेस को कैसे डैमेज से बचाया जाए, और होली खेलने के बाद अपने सारे फेस से आपका जो होली का कलर्स है वो कैसे हटाया जाए। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टिप्स से पहले एक दो सजेशन है। पहला सजेशन है ऑर्गेनिक कलर से खेलिए। दूसरा सजेशन है कॉटन का कपड़ा वेयर कीजिए, जो फुल स्लीव्स हो या फिर थ्री क्वार्टर स्लीव्स हो। हाफ स्लीव्स मत पहनिए क्योंकि धूप भी है। सो या तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप से एक छोटा सा क्यूब लीजिए आइस क्यूब का, उसे अच्छे से अपने फेस पे डैब डैब करके उसे अच्छे से अपने फेस पे रब कर लीजिए। रब करने के बाद दूसरा स्टेप होगा एक टोनर का। तो टोनर के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ एक क्यूकम्बर टोनर। तो ये बायोटिका क्यूकम्बर टोनर है और बहुत सारे ब्रांड्स का क्यूकम्बर टोनर होता है। तो क्यूकम्बर टोनर नहीं है तो रोज वाटर, जिसको दोनों जो आपका टोनर है उसे आप फ्रिज में रख दीजिए, देन आप उसे यूज कीजिए। क्योंकि फ्रिज में रखने से क्या होगा, आप ये ठंडा हो जाएगा और ठंडी जब चीज आप अपने फेस में लगाते हैं तो फेस का सारा पोर्स बंद हो जाता है। अगर आपका पोर्स ओपन है तो बहुत अच्छा यूज होगा, बंद है तब भी आप ये यूज कीजिए बिकॉज होली का कलर्स आपके फेस पर बैठ जाएगा। दूसरा स्टेप है फॉर बॉडी। बॉडी में क्या कीजिए, सनस्क्रीन लीजिए, एक बॉडी लोशन लीजिए, एक अच्छा बॉडी लोशन जो भी आपके बॉडी को सूट करता है, लेकर इसे सनस्क्रीन को मिलाइए और अच्छे से पूरे बॉडी में लगा लीजिए, हाथ पे पैर में जहां भी आपका जो भी बॉडी एक्सपोज है वो आप अच्छे से लगा लीजिए। सनस्क्रीन लेके यही जो भी सनस्क्रीन आप लगाते हैं, मैं मैट वाला लगाती हूँ सनस्क्रीन। ये बहुत ऑयली नहीं है, ये मैट फिनिश में आता है, ये लैक्मे का सनस्क्रीन है। तो इसे आप कीजिए अच्छे से अपने हाथ पे लीजिए, अमाउंट ज्यादा लेना है और उसे डाब डाब करके अपने फेस पे पूरा अच्छे से लगा लेना है। इसके बाद दूसरा स्टेप होगा आपका कि अपने लिप पे लिप बाम लगाना है। लिप बाम नहीं लगाना है क्योंकि लिपस्टिक लगाना है। लिपस्टिक लगाना है तो एक अच्छा सा मैट लिपस्टिक लगा लीजिए और थोड़े उसको लेयर दे दीजिएगा लिपस्टिक में। उसके बाद फिर अपने फेस पे आपका जो ये सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन लगाने के बाद ऑयल को बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है और उसे अच्छे से अपने फेस पे लगा लेना है। क्योंकि एक फेस और ऑयल के बीच में आपका बैरियर आ जाएगा, ऑयल आपका जो कलर है वो फेस के नहीं जाएगा क्योंकि ऑयल उसका बैरियर बन जाएगा। और हाथ में भी ऑयल लगाना मत भूलिएगा, कानों में यहाँ मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ भी आपका कलर जम जाता है। यहाँ पे भी अच्छे से ऑयलिंग कीजिएगा। ऑयल के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ ऑलिव ऑयल। तो मैं आपको ये वाला ऑलिव ऑयल दिखा देती हूँ, ये जग ऑलिवियो का ऑलिव ऑयल है। तो ये मैं यूज करती हूँ अपने पूरे बॉडी के लिए, पैरों में मैं यही लगाती हूँ। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपने कानों में। और रिमेम्बर, थोड़ा सा कॉटन बॉल लीजिए, उसे कान में अंदर डाल लीजिए कि आपका कलर के वजह से आपके कानों को कुछ खराबी ना करे। और कलर के वजह से आई जो होता है धुंधला धुंधला दिखता है आईज से। तो आप क्या कीजिए, एक शेड्स पहन लीजिए या फिर एक क्लियर चश्मा पहन लीजिए जो नो पावर हो, अगर पावर है तो आप पहनिए। लेंस मत लगाइएगा क्योंकि कलर उसमें चला जाएगा और वो आपको हार्म करेगा। सो यार, ये हो गया आपका रूटीन जो है होली खेलने से पहले, अपने घर से निकलने से पहले। होली खेलने के बाद आपको क्या करना है, जो सारा रंग आपके फेस में आ जाएगा। तो रिमेम्बर कि होली खेलने के बाद जब आप आते हैं तो फेस वॉश मत कीजिएगा, पहले अच्छे से सारे कलर्स को अपने पूरे बॉडी से झाड़ लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, क्लिंजर लीजिएगा, मेक क्लिंजर। मैं अयूर का यूज करती हूँ, तो अयूर क्लिंजर लीजिए, देन उसे क्या कीजिए अच्छे से अपने फेस पे उसे मसाज कीजिए कि वो अच्छे से निकल जाए आपका कलर। निकलने के बाद उसे एक कॉटन क्लॉथ लीजिए, देन पोछिए, धोना नहीं है, रिमेम्बर धोना नहीं है। उसके बाद ये करने के बाद अपना एक फेस वॉश लीजिए जो है सारा केमिकल फ्री। तो मैं यूज करती हूँ गुड वाइब्स का हनी फेस वॉश, तो इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल, नो मतलब लाइक ये क्रुएल्टी फ्री भी प्रोडक्ट है। तो मैं यही यूज करती हूँ, तो आप भी ये यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो आप देन इसे फेस वॉश कर लीजिए बॉडी के लिए, देन आप उसे क्या कीजिए बॉडी के लिए, मैं रिकमेंड करती हूँ बॉडी क्यूबिट का शार जेल। तो ये दोनों स्टेप के बाद आप अच्छा से एक बाथ लीजिए जिसमें आप शार जेल यूज किए, लूफा में अच्छे से लेकर पूरा हाथ पैर सबको अच्छे से स्क्रब करके धो लीजिए। एंड रिमेम्बर, जो मैंने मिल्क बोला है क्लिंजिंग मिल्क, वो आप अपने बॉडी में भी अच्छे से मसाज कर लीजिएगा ताकि आपका सारा रंग निकल जाएगा बॉडी से।
उसके बाद जो ये आप बात ले लिए जो हेयर है, हेयर बहुत डैमेज हो जाता है। रिमेम्बर तेल लगाना नहीं भूलना है, तो मैं नॉन स्टिकी एक तेल रिकमेंड करती हूँ, वो है इमामी 7 ऑयल्स इन 1। तो निकलने से पहले ये लगा लीजिएगा, ऑयल अच्छे से लगा लीजिएगा। ऑयल नहीं लगाते हैं लोग, ये बहुत गलती करते हैं। ऊपर अगर यहाँ नहीं लगाना है टिप्स में लगाइए, डैमेज वहां ज्यादा होता है इसीलिए। तो यहाँ लगा लीजिए, एक अच्छा सा पोनी कर लीजिए और इसे अच्छे से बॉबी पिन या फिर कोई भी आपका जो हेयर क्लिप है अच्छे से पिनअप कर लीजिए, क्योंकि बाल बहुत डैमेज होता है होली के वजह से, होली के कलर्स की वजह से। अगर ऑर्गेनिक है तो कम डैमेज होगा। उसके बाद जो स्टेप से अच्छे से बात ले लिए, हेयर का भी हो गया, हेयर शैम्पू कर लिए। शैम्पू के बाद आप मैं कंडीशनर नहीं रिकमेंड करके एक हेयर मास्क रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डैमेज हो गया होगा, तो एक हेयर मास्क की वजह से आपका अच्छा हो जाएगा। तो हेयर मास्क के लिए ये है हिमालय का एंटी हेयर फॉल हेयर मास्क। लॉरियल का स्पा वाला जो हेयर मास्क आता है आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसका जो स्टेप है बस उसे नॉर्मल ऐसे करके लगाइए, जैसे हेयर मास्क नॉर्मली में हम लोग लगाते हैं वैसे करके लगाइए, उसके आधे घंटे बाद धो लीजिए उसे, तो वो भी वैसे ही हेयर मास्क की तरह अप्लाई होगा। ये थोड़ा बजट फ्रेंडली हेयर मास्क है इसलिए मैंने रिकमेंड किया इसे। ये 80 रुपीज का, तो बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है। वो लॉरियल का 600 का आता है या फिर 500, लाइक मुझे याद नहीं है पूरे अच्छे से, तो ऐसे कुछ है, वो ज्यादा थोड़ा एक्सपेंसिव में चला जाता है। तो ये हो गया और आफ्टर बाथिंग जो फेस का, उसके बाद जो पूरा कलर निकल गया हम लोग का, तो उसके बाद आप फेस मास्क लगाइए। तो फेस मास्क के लिए मैं रिकमेंड करूंगी एक मामा अर्थ का C3 फेस मास्क, चारकोल मास्क है ये। तो अगर मामा अर्थ का नहीं है तो कोई और चारकोल मास्क भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि चारकोल मास्क मैं इसलिए बोल रही, चारकोल क्या करेगा आपके फेस से पूरा डर्ट अच्छे से सक कर लेगा। चारकोल का ये क्वालिटी बहुत ही अच्छा है जो आपके फेस से सारा डर्ट सक कर लेता है। तो आप इसे यूज कीजिए अच्छे से, जैसे कि जो जो इसका स्टेप है, इसका मैं जो इसका रिव्यू है प्लस डेमो है मैं एक अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ये कैसे यूज होता है वो आप देख सकते हैं। तो या दिस वॉज ऑल, इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, देन आपका फेस गुड टू गो हो जाएगा। एक मॉइस्चराइजर अच्छा सा लगा लीजिए और कुछ नहीं चाहिए, और लिप्स को एक्सफोलिएट जरूर कीजिएगा, क्योंकि लिप्स भी बहुत ड्राई हो जाएगा कलर की वजह से, और जो आप लिपस्टिक जो अप्लाई किया, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ गुड वाइब्स का लिप स्क्रब, दिस इज लेमन लिप स्क्रब। तो इससे ब्राइट भी होता है, लिप्स जो डार्क पड़ जाता है, तो ये आप करके उसके बाद अच्छा सा एक लिप बाम लगा लीजिए। ये है बायोटिक का लिप बाम, बायो आमंड लिप बाम। या गाइस, तो हर साल होली मनाते हैं, इस साल ये ट्रिक्स जो है और टिप्स जो है जरूर अपनाइए, जरूर देखिए कि आपको ये फायदेमंद है कि नहीं, जरूर ये फायदेमंद होगा, क्योंकि मैंने इसे अपने अप्लाई किया है, ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। अप्लाई कीजिए इसे ये जो टिप्स है, और मुझे जरूर बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में। सो या गाइस, तो जैसे कि बहुत लोगों ने गिव अवे के बारे में पूछा था, तो गिव अवे के बारे में ये बताना चाहती हूँ, गिव अवे होगा लेकिन डिले हुआ है, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ऐसा सोचा कि गिव अवे मैं आज ही अनाउंस नहीं करूंगी उनके विनर्स, मैं करूंगी उसे 14th of March को अनाउंस उनके सारे विनर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि कैसे इसे विन किया जाए गिव अवे, क्योंकि बहुत लोग क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं लेकिन मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज कर सकते तो जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का अपलोड कीजिए, मुझे आप उसमें टैग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक पे मैं नहीं हूँ, फेसबुक में मेरा कोई पेज नहीं है फरत ब्लॉग्स करके। तो आप उसी में क्या कीजिएगा, फेसबुक में डालिए, टैग कीजिए अपने फ्रेंड को, स्क्रीनशॉट मेल कर दीजिए। मेल करने से क्या होगा, मैं देख लूंगी उसे, और अगर आप फेसबुक पर डाल ले हैं तो मैं फिर नहीं देख पाऊंगी वो, क्योंकि वो आप देख रहे हैं, मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो आप मुझे मेल कर दीजिए, अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म से टिकटॉक में भी डाल सकते हैं, फ्रेंड्स को उसमें टैग कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो टिकटॉक में मेरा अकाउंट है, तो टिकटॉक वो चीज डिफरेंट हो गया, टिकटॉक में आप डाल दीजिए, फ्रेंड्स को टैग कर दीजिए, तो वो मुझे दिख जाएगा क्योंकि आप मुझे वो टैग कर रहे हैं इसलिए। सो इंस्टाग्राम पे जहां तक बात है, इंस्टाग्राम का भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है मेरे पास, जिनका प्राइवेट है उनका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, जिनका पब्लिक है उनका नोटिफिकेशन आ जा रहा है। तो जिनका प्राइवेट है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये वाला जो पर्टिकुलर पोस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट या फिर जो भी है, यहाँ पे शेयर बटन है वो शेयर कीजिए
और आपका वो स्टोरी में शेयर हो जाएगा, अपने अच्छे से अपने बहुत सारे आपका जो फ्रेंड्स है, आपके जो फ्रेंड्स है उसे आप टैग कीजिए, उन्हें मेंशन कीजिए इस पोस्ट पे, स्टोरी डालिए और उसका स्क्रीनशॉट मुझे आप डीएम कर दीजिए इंस्टा पे। ये है पब्लिक, जिनका प्राइवेट है अकाउंट, जिनका पब्लिक है उनका तो मुझे ऐसे ही दिख जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुझे टैग करना मत भूलिएगा आप, और कॉमेंट बॉक्स में जिनका प्राइवेट अकाउंट है कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, यही वाला पोस्ट पे कमेंट कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के नाम मेंशन कर दीजिए और हैशटैग गिव अवे, हैशटैग फरत व्लॉग्स, ये दो हैशटैग सभी लोग दीजिए जो लोग गिव अवे में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये दोनों हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट द गिव अवे थिंग। तो विनर मैंने कहा था कि दो विनर अनाउंस होगा, नहीं दो विनर नहीं, मैंने सोचा तीन विनर अनाउंस होगा क्योंकि बहुत रश है। सो या गाइज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपना पहला गिव अवे के लिए। सो या, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अपने फीडबैक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में क्योंकि होली आ रहा है, होली में शायद उनको ये वो टिप्स की जरूरत हो कि होली में अपने फेस हेयर को कैसे डैमेज से बचाया जाए, तो वो भी देख लेंगे और ये गिव अवे भी कोई जीत सकते हैं आप ही के फैमिली से या फिर आप ही। सो या, सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, सो बाय बाय गाइज़।